नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप लोग काफी टाइम से देख रहे थे कि मैं फेस टू फेस वीडियोस नहीं बना रहा था, लेकिन अब आपके पास जो है हमारी वीडियोस जो है वो फेस टू फेस आएंगी, क्योंकि मेरे पास पहले इक्विपमेंट्स नहीं थे प्रॉपर, लेकिन अब मैंने इक्विपमेंट्स जो है अरेंज कर ली है और अब आपको सारी वीडियोस जो है वो आपको इसी वे में मिलेंगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके एग्जामिनेशन को लेकर जो कि मार्च में होने वाले हैं। और काफी बच्चों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि भैया हमारे एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, क्योंकि ये बच्चों के मन में डाउट है कि अगर ऑफलाइन एग्जाम होते हैं तो उन्हें प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो हम ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको दोनों ऑप्शन मिलती है यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो आपको कौन सा ऑप्शन जो है चूज करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन जो है आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लें कि आपके एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो देखिए, जो भी अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट आई है उसके अकॉर्डिंग तो आपके एग्जाम ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाए जाएंगे, क्योंकि देखो अभी तक तो कॉलेज भी नहीं रीओपन हुए हैं, अभी सिर्फ थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज रीओपन हुए हैं और उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जैसे कि ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हो गए, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए ही अभी कॉलेज जो है रीओपन किए गए हैं। और इसके बाद अभी सेकंड ईयर वालों की बारी है, फिर जाकर कहीं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बारी है। तो इस सिचुएशन में जो है आपके एग्जाम जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपकी सारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाई जा रही है और आप सभी को पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में कितना ज्यादा प्रोफेसर पढ़ा पाते हैं या स्टूडेंट खुद पढ़ पाते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आपके ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए जाए, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के फिजिकल मोड में यानी कि ट्रेडिशनल वे में अगर आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। कितने बच्चों की बैक आ सकती है। तो इस सिचुएशन में मैं मानता हूं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओपन बुक एग्जामिनेशन फॉर्मेट है, जो कि ऑनलाइन एग्जाम है, वो कहीं ज्यादा बेटर है। इन केस अगर आप लोगों को ऑप्शन मिलती है कि आप फिजिकल मोड में एग्जाम देना चाहते हो या ऑनलाइन मोड में एग्जाम देना चाहते हो, तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जो है ऑनलाइन मोड में ही चूज करना, क्योंकि इससे आपको एक बैकअप रहेगा, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओपन बुक एग्जामिनेशन के ऊपर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, कैसे पेपर आता है और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊंगा। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। मेरे सजेशन को जरूर मानिएगा अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो को। सब्सक्राइब करना ना भूले गौरव द्राहा को।